हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉजिक रीजनिंग सेक्शन से एक टॉपिक, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस, जो कि IBPS क्लर्क 2016 के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये हमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये NA3 एंड सो ऑन अप टू ई तक, ये हमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का। तो इसके बेस्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर IBPS क्लर्क 2016 के पेपर में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द गिवन अरेंजमेंट फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब इन पांचों में से कोई ऐसा होगा जो कि इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा, वो हमने चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं UH और डॉलर को। तो UH और डॉलर को देखिए, ये है U और ये है H। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, माइनस फोर पोजीशन है इसकी। और देखिए एच से डॉलर देखते हैं हम, एच से डॉलर जो है 1 2, ये सेकंड पोजीशन पे है। मींस ये जो है माइनस फोर पोजीशन पे है इधर, और इधर ये प्लस टू पोजीशन पे। ऐसे अगर हम इसको चेक करें 97 को, तो देखिए ये 9 है, ये D है, ये कौन से है, माइनस टू पे है, माइनस टू और D के बाद 7। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो मीन्स प्लस 4। ऐसे इसको चेक करें एट द रेट ऑफ जी, देखिए ये है एट द रेट, ये जी है, ये एट द रेट, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टार, ये स्टार है। तो जी से हम चेक करें तो कौन सा पोजीशन आ रही है, 1 2, और ऐसी एट द रेट से हम चेक करें इसकी पोजीशन जी की, 1 2, ये माइनस टू है। और स्टार की चेक करें हम तो कौन सी है, 1 2। देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर देखिए, यहाँ पर एट द रेट और जी स्टार में देखिए, जो एट द रेट से जी है देखिए किस पे है, माइनस टू पे, और जी से देखिए स्टार किस पे है, 1 2 3 4, ये भी प्लस फोर पे है। तो ये भी माइनस टू और प्लस फोर है। ऐसी देखिए एंड वन आर को देखिए, ये हमारे पास एंड और वन, देखिए ये किस पे है, माइनस टू पे है। और यहाँ से देखिए हमारा जो आर है वो कहाँ पर है, 1 2 3 4, ये भी प्लस फोर पर। तो माइनस टू प्लस फोर, 2 3 8 देखिए,
टू से थ्री देखिए माइनस टू पोजीशन पे है, और यहाँ से एट देखिए अगर हम देखें इसको तो 1 2 3 4 प्लस फोर पोजीशन पे, माइनस टू प्लस फोर तो इसमें देखिए ये जो हमारे पास पेयर बन रहे हैं ये सेम है, और ये क्या बन रहा है माइनस फोर और प्लस टू वाला फर्स्ट वाला, तो ये इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, इसका आंसर क्या रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ टू द राइट, सेवंथ पूछा है राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, ऑफ 13th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो इसका आंसर होगा 13 - 7 = 6, तो 6 फ्रॉम द राइट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है आर है, तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा आर वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो है सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, सेवन कहाँ से फ्रॉम द लेफ्ट, तो कौन सा एलिमेंट है, और हमारे से पूछा 14th एलिमेंट फ्रॉम राइट, ये हमारे से पूछा हुआ है, तो हम चेक करते हैं अभी 7th फ्रॉम लेफ्ट चेक करो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रॉम लेफ्ट है 8 और 14 फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है हमारे पास ये डॉलर, तो 8 और डॉलर के बीच में कौन कौन से लेटर्स हैं वो पूछा हुआ है, देखिए 8 और G है, Z है, D एंड H, G Z D H, G Z D H, तो कितने हुए ये 4 हुए ये 4 letters, तो first पे 4 है, तो first जो हमारा option है right answer है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो इसने पूछा है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, 18 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, इसका सम पूछा हुआ है। तो चेक करते हैं कौन कौन सा है,
टेंथ देखते हैं लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। तो टेंथ है हमारे पास एट द रेट, और एटीन चेक करते हैं यहाँ से, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। तो 18 हमारे पास है, सॉरी 18 नहीं, एट्थ एलिमेंट है। ये यहाँ पर फ्रेंड्स एट्थ एलिमेंट है, तो एट्थ एलिमेंट क्या रहेगा, सिक्स सेवन एट्थ एंड रहेगा एट्थ एलिमेंट। तो एट द रेट एंड के बीच में क्या पूछा हुआ है, ये हमारा एट द रेट है और ये हमारा एंड है, इसके बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम पूछा हुआ है। नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, देखिए नाइन सेवन फाइव एंड वन, ये वन है। तो नाइन सेवन हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन और फाइव हो गया ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी टू। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 22 वो राइट आंसर है, यहाँ पर एट्थ एलिमेंट है ये एट्थ। तो 22 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द लेटर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट आर डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ लेफ्ट ऑफ फोर एंड फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ, यहाँ है ये फाइव, राइट ऑफ फाइव रिस्पेक्टिवली। फोर एंड फाइव, फोर के लेफ्ट में और राइट के फाइव में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर हम सारे लेटर्स को क्या करें, डिलीट कर दें। तो ये लेटर डिलीट हो गया, ये भी 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 डिलीट हो गया। देखिए ये फोर है, इसके थर्ड में कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसके थर्ड में थ्री है फोर के। अब चेक करते हैं फाइव के, ये लेटर डिलीट हो गए, ये लेटर भी डिलीट हो गए, ये लेटर भी डिलीट हो गए, ये लेटर भी और ये लेटर भी डिलीट हो गए और ये लेटर भी डिलीट हो गए। अब इससे पूछा हुआ है फिफ्थ एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ एलिमेंट ये है, तो हमारा राइट आंसर थर्ड। लेटर्स को डिलीट करके उन्होंने पूछा हुआ था कि फोर्थ के लेफ्ट में थर्ड एलिमेंट कौन सा और फिफ्थ के राइट में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द वर्ड फ्रैक्शन फर्स्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन ऑल द वॉवल्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। इसने बोला है कि सारे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम लिख लेते हैं पहले। देखिए इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला, एक तो सी है देखिए पहला, उसके बाद एफ है, उसके बाद एन है, उसके बाद आप देखिए आर है,
और उसके बाद टी है। अब अरेंज करने हैं हमने वॉवल्स, तो वॉवल्स कौन से रहेंगे, ए आई ओ, ए आई ओ, तो लेफ्ट टू राइट हो गए, ये भी लेफ्ट टू राइट हो गए। आपको पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से फिफ्थ लेटर कौन सा, ये पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये है फिफ्थ आर, तो ये आर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 6, 3, 7, 9, 4, 5, 2 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट आफ्टर रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तो इस नंबर को 6, 3, 7, 9, 4, 5, 2 असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। अब इसमें क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है हमें कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ डिजिट कौन सी है फ्रॉम द लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5 है, एंड द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, तो राइट से सेकंड डिजिट कौन सी है, 7, तो इनका बोला हुआ सम 5 + 7 = 12, तो ये सेकंड हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड हेरिटेज आर इंटरचेंज्ड, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ लेटर एंड थर्ड एंड सेवन्थ लेटर एंड फोर्थ एंड एट्थ लेटर आर इंटरचेंज्ड इन अ न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर्स विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं, नंबर है हमारे पास 6, 3, 7, 9, 4, 5, 2 हेरिटेज। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड इंटरचेंज, फर्स्ट एंड फिफ्थ मतलब ये जो फर्स्ट है ये किस पे जाएगा, फिफ्थ पे, 1, 2, 5th पे चेंज होगा ये, तो 1, 2, 3, 4, 5th ऐसे ही ये क्या बोल रहा है। सिमिलरली द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ लेटर, सेकेंड किस होगी हमारी चेंज किसके साथ, ये सेकेंड है इसके साथ, उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड थर्ड एंड सेवन्थ लेटर, तो ये थर्ड है इसकी इसके साथ होगी चेंज,
and fourth and eighth letter are interchanged. तो ये फोर्थ है, इसकी जो चेंजिंग होगी किसके साथ होगी, इसके साथ. तो ये इंटरचेंज करने के बाद जो वर्ड फॉर्म होगा वो देखो कैसे होगा. तो ये आ जाएगा तो ये देखिए इसकी जगह पे एच की जगह पे टी आ जाएगा, टी की जगह पे एच चला जाएगा, ऐसी ई की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे क्या चला जाएगा, ई. तो आर की जगह पे आ जाएगा जी, जी की जगह पे चला गया आर और आई की जगह पे फिर ई और ई की जगह पे आई. तो इस तरह से ये जो है हमारा इंटरचेंज हो चुका, हो गया है पूरा पूरा अरेंजमेंट. तो अब ये क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर्स फ्रॉम विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट. तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट आ रहा है ई. एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट क्या है, आई. ये आई, तो ई और आई के बीच में कितने लेटर्स हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज. तो ई के बाद क्या आता है, एफ, उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद क्या आता है एच, फिर आता है हमारा आई. तो ई एफ जी एच आई, तो कितने लेटर्स हैं ये, 3 लेटर्स हैं. तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा. फ्रेंड जितने भी ये क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर IBPS PO प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए थे. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें.